हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त सत्यम कुमार पांडे, आज आपके लिए मैं करंट अफेयर्स मार्च 2019 लाया हूं। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में किस स्थान से वन नेशन वन कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया? अहमदाबाद, पटना, मुंबई, झांसी। तो दोस्तों, इसका आंसर है अहमदाबाद। अहमदाबाद से प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में वन नेशन वन कार्ड योजना का शुभारंभ किया। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जारी कुंभ मेला 2019 में एक हफ्ते में कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं? 10, 8, 7, 3। तो दोस्तों, इसका आंसर है 3। प्रयागराज में जारी कुंभ मेला 2019 में एक हफ्ते में 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुके हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर में AK-23 राइफल बनाए जाने का भारत रूस संयुक्त उपक्रम आरंभ किया गया है? चेन्नई, कपूरथला, अमेठी, रांची। तो दोस्तों, इसका आंसर है अमेठी। अमेठी में भारत के AK-23 राइफल बनाए जाने का भारत रूस संयुक्त उपक्रम जारी हो गया है, अमेठी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 मार्च 2019 को किस राज्य से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया? गुजरात, बिहार, पंजाब, झारखंड। तो दोस्तों, इसका आंसर है गुजरात। गुजरात। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में चाय बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है पीके बिज बरुआ चाय बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में कर्नाटका बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और किस बैंक पर कुल 11 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया है? भारतीय स्टेट बैंक, करूर वैश्य बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो दोस्तों, इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर दोस्तों बी, करूर वैश्य बैंक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में ग्रीन पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है गुरुग्राम। विश्व का सबसे प्रदूषित शहर गुरुग्राम है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? तो ये आपका 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये। तो इसका आंसर दोस्तों 20 रुपये है। यह सिक्का तांबा जस्ता और निकल से मिलकर बना है। 20 रुपये का सिक्का प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर में 15,000 करोड़ रुपए के निवेश के जरिए एक आभूषण पार्क बनाया जाएगा? जयपुर, पटना, मुंबई, कानपुर। तो दोस्तों, इसका आंसर है मुंबई। मुंबई में 15,000 करोड़ रुपए के निवेश के जरिए एक आभूषण पार्क बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वेनेजुएला की सरकार ने किस देश के राजदूत डेनियल क्रीनर को परसोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है? तो इसका आंसर दोस्तों जर्मनी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में देश भर में कितने GPS स्टेशनों की स्थापना की? 22, 30, 40, 50। तो दोस्तों, इसका आंसर है 22। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में देश भर में 22 GPS स्टेशनों की स्थापना की। दोस्तों, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन भारत में जन औषधि दिवस मनाया जाता है? तो भारत में 6 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है।
दोस्तों इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए किस नाम से कॉमन मोबिलिटी ऐप लॉन्च किया गया है? दिल्ली ट्रैवल, दिल्ली ऑन मोबाइल, दिल्ली वन दिल्ली, दिल्ली मोबिलिटी। तो दोस्तों इसका आंसर है वन दिल्ली। दिल्ली सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए वन दिल्ली कॉमन मोबिलिटी ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस देश की संसद ने एक कानून पास किया जिसके तहत सरकार या राष्ट्रपति का अपमान करने पर 15 दिनों की जेल या लगभग एक लाख रुपए जुर्माना हो सकता है? तो इसका आंसर दोस्तों है रूस, रूस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अमेरिका स्थित इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्टडी के मुताबिक पराली जलाने के कारण होने वाले वायु प्रदूषण से किस देश को सालाना 2 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होता है? ऑप्शन है दोस्तों नेपाल, चीन, भारत, रूस। तो दोस्तों इसका आंसर है भारत, भारत। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 में निम्नलिखित में से किस शहर को पहला स्थान हासिल हुआ है? तो इसका आंसर दोस्तों इंदौर, इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 में प्रथम स्थान हासिल हुआ है। ये लगातार तीसरी बार इंदौर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसरो द्वारा हाल ही में स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष संबंधी कार्यक्रमों के साथ जोड़ने के लिए चलाए गए कार्यक्रम का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम है युविका, युविका, ऑप्शन डी युविका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में ग्रीन पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है? लुधियाना, गुरुग्राम, इस्लामाबाद, पेचिंग। तो दोस्तों इसका आंसर है गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य के राज्यपाल के राजशेखरन ने अपने 9 महीने के कार्यकाल के बाद 8 मार्च 2019 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया? पंजाब, मिजोरम, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका आंसर है मिजोरम, मिजोरम के राज्यपाल के राजशेखर ने अपने 9 महीने के कार्यकाल के बाद 8 मार्च 2019 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया राज्यपाल। और इस समय वहां के राज्यपाल इस समय जगदीश मुखी हैं, जगदीश मुखी उस समय ये असम के राज्यपाल हैं, इस समय मिजोरम के राज्यपाल भी हैं। इस समय मिजोरम के मुख्यमंत्री जोर मंतगा हैं, जोर मंतगा, और मिजोरम की राजधानी है आइजोल, मिजोरम की राजधानी है आइजोल, मुख्यमंत्री जोर मंतगा, और वहां के राज्यपाल इस समय रखे गए हैं जगदीश मुखी, जो कि असम के भी राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्ष 2019 के पृथ्वीकर पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है अराता इसोजा की, अराता इसोजा की। वे इस पुरस्कार को जीतने वाले 46वें व्यक्ति हैं तथा 8वें जापानी आर्किटेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, देश में संक्रामक रोग एड्स की रोकथाम में मिली सफलता को देखते हुए एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को किस वर्ष तक जारी रखने के लिए 6,434 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है वर्ष 2020 तक, वर्ष 2020 तक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कैबिनेट ने हाल ही में किस राज्य में कीरू पनबिजली परियोजना में निवेश को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है दोस्तों जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने जम्मू कश्मीर में मिसर्स चिनावेली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कीरू पनबिजली परियोजना 624 मेगावाट के निर्माण के लिए निवेश करने की मंजूरी दे दी है। ये जम्मू कश्मीर में इसकी मंजूरी हुई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री
त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी को किस मंदिर समिति का सदस्य नियुक्त किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर का मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी को इसका सदस्य नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 8 मार्च 2019 को अयोध्या मामले को आपसी बातचीत से सुलझाने के लिए मध्यस्थता को मंजूरी देते हुए कितने सदस्यीय पैनल का गठन किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति CCA की बैठक में बक्सर बिहार के चौसा में 660 मेगावाट के कितने ताप विद्युत संयंत्रों को मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों इसका आंसर है 2 ताप विद्युत संयंत्रों को मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में बोलो ऐप किसने लॉन्च किया? ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है। अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो माई डियर फ्रेंड्स। थैंक्स।